अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि टाइपोग्राफी में जो हमारे फॉन्ट्स यूज होते हैं या आम जो फॉन्ट्स हम लोग आर्ट पर के लिए यूज करते हैं, उसके लिए हम लोगों को डिफरेंट फॉन्ट्स की ज़रूरत होती है। कुछ तो फॉन्ट्स ऑलरेडी हम लोगों के पास अवेलेबल होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते रहते हैं। ये सब फॉन्ट्स जो ऑलरेडी हमारे Adobe Illustrator CC की तरफ से आते हैं, वो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में होते हैं। कुछ फॉन्ट्स हमें ऐसे चाहिए होते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए जो फॉन्ट्स यूज़ करते हैं उसको कैसे हम लोग जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम लोग जो है इसको इलस्ट्रेटर में ला सकते हैं, उसके लिए मैंने चाहा कि अब आपको ट्यूटोरियल बताऊं सिखाऊं। मैंने चाहा कि आप लोगों को ट्यूटोरियल सिखाऊं कि कैसे हम लोग जो है इलस्ट्रेटर में अपने फॉन्ट्स अपनी मर्जी के या क्लाइंट की मर्जी के फॉन्ट्स ला सकते हैं। ये हमारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, 5 वेबसाइट्स का मैंने दिया हुआ है, और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं। जो मेन वेबसाइट्स जो मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि आपने कैसे वहाँ से फॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं और कैसे आप अपने आर्टवर्क में यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट्स को। ये हमारी फॉन्ट्स की क्लास है। इस क्लास के बाद हम लोग टाइपोग्राफी पढ़ेंगे। इस वजह से फॉन्ट्स का होना और अच्छे फॉन्ट्स का होना हमारे पास ज़रूरी था। इस वजह से मैंने कहा कि इसके लिए स्मॉल सा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बना दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। लिंक इन सब का आपके डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। पेस्ट किया इधर, ये फर्स्ट वेबसाइट आ गई जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज, बोल्ड आपने लेनी है, इटैलिक लेनी है, रेगुलर लेनी है, जो सी कैटेगरीज आप चाहेंगे उस तरह के फॉन्ट आपको अवेलेबल होंगे और आप इजीली उनको डाउनलोड कर सकेंगे। ओके, डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स होंगे आपके पास। सेकंड वेबसाइट को भी साथ ही ओपन कर लेते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज के फॉन्ट्स आ गए। आप टेक्स्ट लिख भी सकते हैं कि आप जो है कौन सा टेक्स्ट चाह रहे हैं, उस हिसाब से वो आपको फॉन्ट दिखाएगा। जो कौन सा आपने सिलेक्ट करना हो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे फॉन्ट को। थर्ड, थर्ड ये वेबसाइट आ गई हमारे पास। इसमें भी यही चीज है बिल्कुल कि आपके पास फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, हम जो सी कैटेगरी का चाहे फॉन्ट ले सकते हैं। आप पॉपुलर फॉन्ट लेना चाहते हैं, रेगुलर फॉन्ट लेना चाहते हैं, डिज़ाइन या पास बहुत ज़्यादा कैटेगरीज अवेलेबल हैं। फर्ज करें मैं डिज़ाइनर्स पे करता हूँ, ये देखें आपके पास डिफरेंट डिज़ाइनर्स के फॉन्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद ये दो वेबसाइट्स भी मैं साथ ही ओपन कर लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। नेक्स्ट साइट भी साथ ही ओपन कर लेता हूँ मैं। उसके बाद आपके पास एक और साइट है, ये डिफरेंट फॉन्ट्स आपके पास इधर भी अवेलेबल है कि आप कैसे फॉन्ट्स लेना चाह रहे हैं। ये फिर इंस्टॉल करके बताऊंगा कि कैसे आपके पास फॉन्ट्स आएंगे। फर्स्ट किया कि मैं ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमारे पास डाउनलोड की ऑप्शन है, ये देखें डाउनलोड इतनी जल्दी हो गया हमारे पास फॉन्ट, ये फॉन्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम मैं करता हूँ ये वाला फॉन्ट डाउनलोड कर लेता हूँ, ये देखें विद इन सेकेंड्स ये फॉन्ट्स डाउनलोड हो गए। इस साइट में से ये वाला फॉन्ट डाउनलोड कर लेता हूँ,
ये हमारे पास सब डाउनलोड हो रहा है फॉर्म। इसके बाद इस साइट में से, ये साइट थोड़ी हैवी है इस वजह से थोड़ा टाइम लेगी, उन्होंने में वो फॉन्ट्स, ये फॉन्ट्स आपके पास आ गया, ये आपने डाउनलोड के लिए इधर क्लिक किया और अभी ओपन हो रहा साइट। ये फॉन्ट है, हर तरह की इसकी शेप्स दी हुई है कि एबीसी में कैसे लगता है, बड़े लेटर्स में कैसे लगता है और बाकी चीज़ों में कैसे लगता है ये फॉन्ट। बाकी 101 फॉन्ट सबसे बेस्ट साइट है कि आपको इजीली और आसानी से सेकंड, विद इन सेकंड्स आपको फॉन्ट डाउनलोड आप कर सकते हो। ये देखें, इस साइट से ये फॉन्ट डाउनलोड हो चुका है। सब तकरीबन सब साइट से मैंने डाउनलोड कर लिया फॉन्ट, सिर्फ ये साइट रहेगी। इसमें मैं बोल्ड इटैलिक पे जाता हूँ। डाउनलोड, ये हमारे पास आ गया फॉन्ट के ऑप्शन और ये हमने डाउनलोड कर लिया। ओके सर, तमाम साइट से मैंने एक एक फॉन्ट डाउनलोड कर लिया है। आप इन फॉन्ट्स को फॉन्ट के नेम से भी सर्च कर सकते हैं, ये आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रही होगी इस जगह पे। फॉन्ट के नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं, हर साइट में तकरीबन ऑप्शन ऑफ द मोस्ट कस्टम व्यू फॉन्ट्स, ये सर्च फॉन्ट की ऑप्शन आ रही है आपके पास। सर्च फॉन्ट की ऑप्शन इधर आ रही है इस साइट में, सर्च फॉन्ट की ऑप्शन, सर्च फॉन्ट की ऑप्शन, ये सब फॉन्ट्स की ऑप्शन, सर्च फॉन्ट की ऑप्शन आपके पास आ रही होंगी। अब मैं जाता हूँ अपने डाउनलोड पैनल में, डाउनलोड पैनल से मैं देखता हूँ, इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। एक मैं फॉन्ट्स का न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, इधर मैं डालूंगा फॉन्ट्स न्यू फॉन्ट्स के नाम से। ओके इस नाम से इधर मैंने सेव कर दिया, न्यू न्यू फोल्डर 3 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ IL फॉन्ट्स। ओके IL फॉन्ट्स के नाम से हो गया। सेकंड फॉन्ट को मैं इधर से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, IL क्लिक करता हूँ, सबसे ऊपर चला जाता हूँ डायरेक्टली IL फॉन्ट्स के नाम से। हमारे पास फोल्डर मैंने इधर पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट फॉन्ट पे मैं आता हूँ, नेक्स्ट फॉन्ट पे ये ऑप्शन आ गया, कंट्रोल एक्स किया मैंने IL फॉन्ट्स के नाम से, मैंने फोल्डर सेव किया था, ये IL फॉन्ट्स ये हमने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट फॉन्ट पे मैं आया, कंट्रोल एक्स किया, सिलेक्शन आपकी ऑलरेडी हो गई विद फॉन्ट की, कंट्रोल एक्स किया, IL फॉन्ट्स पे हम ले जाना है, कंट्रोल भी कर दिया। लास्ट फॉन्ट जो हमने डाउनलोड किया था इसको भी कंट्रोल एक्स करेंगे और IL में जाएंगे, IL फॉन्ट्स में ये मैंने फोल्डर बना के इन सब फॉन्ट्स को रख दिया। ओके अब हम क्या करेंगे, अपनी स्क्रीन इलस्ट्रेटर को बंद करेंगे ताकि जो फॉन्ट हम लोगों ने डाउनलोड किया है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाए। जब हम दोबारा से इसको ओपन करेंगे और साथ ही चले जाते हैं हम अपने इस पैनल पे, फर्स्टली इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें भी इसने दो ऑप्शन दे दी, एक ये वाली ऑप्शन, एक ये वाली ऑप्शन। ऐसा करते हैं इसको हम लोग स्टॉप कर लेते हैं,
फॉन्ट इंस्टॉल हो गया, राइट क्लिक किया, इंस्टॉल के ऑप्शन ये ऑलरेडी है हमारे पास, मैंने उसे कहा रिप्लेस कर दो। ओके, ये फॉन्ट हमने डाउनलोड कर लिया, इसको डिलीट कर दिया। ओके, नेक्स्ट फॉन्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है ये वाला फॉन्ट, इसको दोबारा देखा, ये हमारे पास रेगुलर बोल्ड वगैरह की ऑप्शन आ गई, इन सबको हमने डायरेक्ट डाउनलोड कर लिया। ओके, ऐसा करते हैं, इनको डिलीट नहीं करते, इनकी जिप फाइल्स को डिलीट कर देते हैं ताकि हमें नाम का पता हो कि हमने कौन से फॉन्ट्स डाउनलोड किए हैं। ये हमारे सामने आ गए फॉन्ट्स, हमने इनको इंस्टॉल कर दिया। ओके, इनको डिलीट कर दिया, ये वाले फॉन्ट का नेम है होम। ओके, राइट क्लिक करके इंस्टॉल किया इसको मैंने, ये इंस्टॉल हो गया, इसको डिलीट कर दिया, लास्ट फॉन्ट हमारे पास रह गया है पेंट, ये वाला फॉन्ट। और ये हमने अपने फॉन्ट इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं जाऊंगा अपने इलस्ट्रेटर में, इलस्ट्रेटर ओपन होने में थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि मैंने बाकी सॉफ्टवेयर्स भी ओपन किए हुए हैं काम के सिलसिले में। ओके, ये हमारा इलस्ट्रेटर ओपन हो गया है, न्यू फाइल में हम गए, कोई भी बना लिया साइज, हम लोगों ने कुछ भी लिख दिया। टाइपोग्राफी फॉन्ट्स डाउनलोड। ओके, ये हमारे पास हमने फॉन्ट लिख लिया। अब हम जाएंगे अपने फॉन्ट्स वाली चीज पे, जिस पे हम लोग देख रहे हैं पेंटिंग विद चॉकलेट वाला फॉन्ट, पेंटिंग विद चॉकलेट देखेंगे, पी ए हम लोग सर्च पे लिखेंगे, वो फॉन्ट आपके सामने आएगा, पेंटिंग विद चॉकलेट सी। ये फॉन्ट हमारी गैलरी में इंस्टॉल हो गया है और जब भी हम लोग इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे हम इस फॉन्ट को यूटिलाइज कर सकेंगे। नेक्स्ट फॉन्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट फॉन्ट्स आए हैं कहीं, मेड वॉल्फ, मेड वॉल्फ देखते हैं, एम ए डी ई, ये आ गया हमारे पास मेड वॉल्फ। ओके, नेक्स्ट फॉन्ट हम लोग देखते हैं प्लैनेट, होम प्लैनेट। ओके, ये देखिए होम प्लैनेट फॉन्ट आ गया। ओके, कॉर्लिटो, कॉर्लिटो स्पेल इसके द्वारा देख लेते हैं, कॉर्लिटो सी ए, कॉर्लिटो ये आ गया फॉन्ट। ये देखें, जो भी फॉन्ट इस तरह जो भी फॉन्ट आप चाहेंगे आप डाउनलोड करेंगे और इजीली उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। ये सब साइट्स मैंने 5 साइट्स का आपको बताया है और ये बहुत इजी साइट्स हैं, आप डायरेक्टली जाएंगे
और आपको फॉन्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे और इसी तरह आप डाउनलोड करेंगे और इसी तरह अपनी अपने आर्टवर्क में इसको यूटिलाइज करेंगे। अगर कोई भी कमेंट्स, अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आ रहे हैं तो जरूर करिएगा कमेंट्स में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकॉन भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि मैं आपको हर सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर और डिटेल में सिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।